स्क्रीन पर इलाहाबाद ब्रेकिंग। गोविंद कांडा की अगर बात करें तो गोविंद कांडा का भी तूफानी चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज भी कई जनसभाएं करेंगे गोविंद कांडा और अपने चुनावी प्रचार कार्यक्रम को गोविंद कांडा भी धार देते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 4 में चुनावी प्रचार का कार्यक्रम है। सुबह 9:45 पर वार्ड नंबर 4 में ही जनसभा है। वहीं 10:30 बजे रामनगर कॉलोनी में प्रचार करेंगे गोविंद कांडा। तो जहां पर एक तरफ गोपाल कांडा भी लगातार चुनावी प्रचार को धार देने का काम कर रहे हैं और बढ़ते दिनों और बढ़ते समय के साथ ये परिस्थितियां बहुत कठिन होती जा रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा भी लगातार चुनावी प्रचार कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और लगातार आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुंडू भी जुड़े हुए हैं। अनूप कुंडू, फिलहाल गोविंद कांडा का चुनावी प्रचार आज कार्यक्रम क्या है और इसके साथ साथ चुनावी प्रचार का यह कार्यक्रम आज की वर्तमान परिस्थितियों में किस मुहाने पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? यस, अगर हम जो प्रत्याशी हैं यहाँ से भाजपा और जेजेपी के गोविंद कांडा, उसके चुनाव प्रचार की बात करें तो आज उनका जो चुनाव प्रचार है वो एलनाबाद शहर में रहने वाला है। सुबह 9 बजे से उनके कार्यक्रम शुरू हैं और एलनाबाद के जो अलग अलग वार्ड है तमाम वार्डों में आज उनकी जनसभाएं होगी, लोगों से जनसंपर्क अभियान वो चलाएंगे। और इतनी सुबह से कार्यक्रम शुरू कर दिए जाते हैं क्योंकि एलनाबाद शहर है, वहाँ लगभग 25,000 वोट बताए जा रहे हैं, तो प्रत्येक मतदाता तक पहुंचकर वोट की अपील करने के लिए वो आज एलनाबाद में उतरेंगे। क्योंकि इससे पहले गोविंद कांडा जो हल्का एलनाबाद है उसके तमाम गाँव का दौरा कर चुके हैं, हर गाँव में उन्हें भारी जन समर्थन भी मिला है और आज एलनाबाद के देर रात्रि तक कार्यक्रम चलेंगे और उसके बाद दो गांव जो पास लगते गांव है उनमें भी आज गोविंद कांडा के कार्यक्रम रहेंगे। यस अनूप कुंडू, लगातार अगर बात करें इस संदर्भ में ही कि एलनाबाद के शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतर भौगोलिक तौर पर और राजनीतिक दृष्टि से क्या है, तो क्या समझ सकते हैं? देखिए, अगर हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ऐसा है कि गांव के जो लोग हैं वहां तक जिस प्रकार से चुनाव प्रचार में जा रहे थे, आजकल कुछ खेतों का काम चल रहा था लेकिन वहां उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने नेताओं के विचार सुनने के लिए आ रहे थे। और अगर शहर की अगर हम बात करें तो शहर में लोग घरों पर ही रहते हैं, दुकानों पर रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर लोगों के साथ संपर्क साधना और भी आसान होता है। अगर हम राजनीति की बात कर लें तो एलनाबाद का जो शहर है उसको पहले से ही ये माना जाता है कि वो बीजेपी की ओर ज्यादा अपना मूड बना चुका है और अब जिस प्रकार से गोविंद कांडा के वहां पर दौरे हैं उसके बाद लगातार स्थिति और मजबूत होने की पूरी पूरी संभावनाएं वहां पर है। क्योंकि आज जिस प्रकार से सुबह 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होकर देर रात्रि तक एलनाबाद के कार्यक्रम चलेंगे तो ऐसे में हर दुकानदार, हर व्यापारी, हर घर तक वहां पर पहुंचा जाएगा और लोगों से वोट की अपील की जाएगी। यस जी, और बात करें यहां पर विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के लिए शहरी क्षेत्र कितना मायने रखता है और उनके उनके सामने किस तरह की चुनौतियां? देखिए, विपक्षी दलों के सामने एलनाबाद शहर को लेकर के बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि शहर में बीजेपी का जो वोटर है वो बहुत ज्यादा है, गोविंद कांडा के समर्थक बहुत ज्यादा है, ऐसे में उनके लिए चुनौतियां और बढ़ जाती है। और खास करके शहर का जो मतदाता है वो विकास के मुद्दों को लेकर के अपना मतदान करता है, वो आगे की भविष्य की रणनीति को देख करके मतदान करता है। जागरूक तो आजकल गांव का मतदाता भी है लेकिन अगर हम शहर के मतदाता की बात करें तो उनको पता होता है कि शहर में क्या क्या समस्याएं हैं और आने वाला जो 3 साल का समय बचा है उसमें उनके लिए और बेहतर कार्य कौन करवा सकता है। ऐसे में शहर के जो लोग हैं वो अपना मतदान बहुत सोच समझकर करते हैं और इसी रणनीति के तहत आज पूरा एलनाबाद के दौरे जो है शहर की अगर हम बात करें, वार्डों की अगर हम बात करें तो गोविंद कांडा के रहने वाले हैं। यस चलिए अनूप कुंडू, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।